स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके जी हिस्ट्री। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो बिहार STET के अभ्यर्थियों के लिए है, विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका विषय सामाजिक विज्ञान है और जिनका कॉम्बिनेशन नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के साथ बनता है। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि यह वीडियो पूरी तरह से बिहार बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है और इसमें कक्षा 9 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये सभी वही पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो परीक्षा में आ सकते हैं। चूंकि इस परीक्षा के सिलेबस में बिहार बोर्ड के कक्षा 9 और 10 के सिलेबस को शामिल किया गया है, इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हर पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें वही पॉइंट लिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको कुछ आवश्यक राय देनी हो या आपकी कोई विशेष आवश्यकता हो इस परीक्षा की तैयारी के दौरान जो हमसे संबंधित हो या हमसे आपको सहयोग मिल सके, तो आप हमें कमेंट्स के रूप में जरूर भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए मैं उपयोगी वीडियो बना के दे सकूं। आइए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 का जो पहला अध्याय है राजनीति विज्ञान का, लोकतांत्रिक राजनीति का, उसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। और इस चैप्टर में सबसे पहले दो कहानियां दी गई हैं। एक कहानी है चिली की और दूसरी कहानी है पोलैंड की। इन दोनों कहानियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। इन दोनों कहानियों में दिया गया है कि कैसे लोकतंत्र का विकास वहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिली की। चिली जो है वह दक्षिण अमेरिका है, जहाँ 11 सितंबर 1973 को जनरल ऑगस्टो पिनोशे के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रपति अयंदे की हत्या कर दी गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ डेट दिया गया है, 11 सितंबर 1973 को। और जिसने सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया, सेना के सहयोग से जिसने विद्रोह किया, उसका नाम था जनरल ऑगस्टो पिनोशे। और जिस देश ने चिली की सत्ता को हटाने में मदद की उसका नाम था, वह देश था अमेरिका। और चिली के जिस राष्ट्रपति को पद से हटाकर हत्या कर दी गई, जिनके खिलाफ विद्रोह किया गया, उसका नाम था राष्ट्रपति अयंदे। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि चिली में हुए विद्रोह में किस राष्ट्रपति की हत्या की गई, तो आपके उत्तर होंगे राष्ट्रपति अयंदे। अगर प्रश्न आता है कि चिली में हुए सैनिक विद्रोह में नेतृत्व किसने किया, तो जनरल ऑगस्टो पिनोशे। और डेट पूछता है किस दिन हुआ चिली में विद्रोह, तो आपका आंसर होगा 11 सितंबर 1973 ईस्वी, और अमेरिकी सरकार ने इसका सहयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। पिनोशे की सरकार 17 वर्षों तक शासन किया, लेकिन 1988 में जनमत संग्रह द्वारा उसे हटा दिया गया और लोकतंत्र की पुनः बहाली हो गई। पिनोशे, जनरल ऑगस्टो पिनोशे जो था, वह 11 सितंबर 1973 को विद्रोह करने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद, उसने 17 वर्षों तक लगातार शासन किया। लेकिन 17 वर्षों के शासन के बाद उसे लगा कि जनमत संग्रह करके मुझे अपने इस पद को वैधानिक सिद्ध कर देना चाहिए, इसलिए उसने 1988 ईस्वी में वहां एक जनमत संग्रह कराया। लेकिन उस जनमत संग्रह में जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे हटा दिया गया। वह पूरी तरह से हार गया और वहां पुनः लोकतंत्र की बहाली हो गई, वहां लोकतंत्र फिर से आ गया। आगे क्या होता है, वहां कई चुनाव हुए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चर्चा करते हैं। वर्ष 2006 के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो वेशेल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, अल्बर्टो वेशेल चिली के वायुसेना प्रमुख थे, जिनकी हत्या 1973 के विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। उनकी पुत्री मिशेल वेशेल विजयी हुई और वह चिली की राष्ट्रपति बनी। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है शॉर्ट में चिली की। यहाँ कुछ नाम महत्वपूर्ण थे, ऑगस्टो पिनोशे, राष्ट्रपति अयंदे, विद्रोह का डेट और 1988 के जनमत संग्रह, और फिर ये दो नाम अल्बर्टो वेशेल और मिशेल वेशेल। परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं कि
2006 के चुनाव में चिली में राष्ट्रपति कौन बना? तो आपका उत्तर होगा मिशेल विशेल। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देश है पोलैंड। 20वीं शताब्दी में पोलैंड पर जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। पोलैंड जो है वहां पर साम्यवादी शासन था जो पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित था, और इस समय पोलैंड पर जिसका शासन था उसका नाम था जारुजेल्स्की, और उसकी पार्टी का नाम क्या था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। यहाँ दो नाम महत्वपूर्ण है। पोलैंड पर 20वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में शासन चल रहा था? तो वह नाम है जारुजेल्स्की, और उसकी पार्टी का नाम क्या था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पोलैंड किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने, पोलैंड में यहाँ में छूट गया है, पोलैंड में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। पोलैंड जो देश था पूर्ण रूप से साम्यवादी शासन पर आधारित था, और वहाँ किसी दूसरे राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड के गडास्क शहर में स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ये डेट इम्पोर्टेंट है, 14 अगस्त 1980 को कहाँ पे? गडास्क शहर में। कहाँ के मजदूरों ने? लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल क्यों कर दिया? क्योंकि एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, लेक वालेशा ने हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व किया। यह भी नाम महत्वपूर्ण है, लेक वालेशा। लेक वालेशा ने वहाँ के जो हड़ताल करने वाले कर्मचारी थे उनका नेतृत्व किया था। लेक वालेशा एक इलेक्ट्रीशियन था। लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ एक कई सूत्री समझौता किया जिसे गडास्क संधि के नाम से जाना जाता है। लेक वालेशा के नेतृत्व में एक संधि हुई जिसमें एक कई शर्तें थीं, और इस संधि का नाम था गडास्क संधि। और इसमें क्या हुआ? पोलैंड में पहली बार एक मजदूर संगठन बना जिसका नाम सोलिडेरिटी रखा गया। जो पोलैंड में एक कई सूत्री समझौता हुआ उसमें एक मजदूर संगठन बनाने का निर्णय हुआ, और इस संगठन का नाम था सोलिडेरिटी। आगे बढ़ते हैं, 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, और इस चुनाव में लेक वालेशा पोलैंड के पहले राष्ट्रपति बने। आपको याद होगा लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने वहां विद्रोह किया था। तो 1990 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ पोलैंड में, इसमें पहली बार ये चुनाव हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए, और इस चुनाव में लेक वालेशा पोलैंड के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आगे बढ़ते हैं, अब ये चिली और पोलैंड की कहानी खत्म होती है। अब देखते हैं कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में, कैसे आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत होती है। तो लोकतंत्र की चिंगारी जलती है सबसे पहले आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आधुनिक विश्व में 1789 का फ्रांसीसी क्रांति बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी से विश्व में लोकतंत्र की परिकल्पना, आधुनिक विश्व में पहले तो ही आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की परिकल्पना सामने आई। इस क्रांति ने लोकतंत्र के तीन तत्वों को स्थापित किया जो निम्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीन नाम जो दिए गए हैं, तीन शब्द जो है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इसमें ये तीनों शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दुनिया के सामने आते हैं। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण वह तीन शब्द कौन थे जो विश्व के सामने आए? तो आपके उत्तर होंगे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व होता है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। और इस गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू किया ब्रिटेन में। यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1688 ईस्वी। इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में कौन सी क्रांति हुई? तो आपका उत्तर होगा गौरवपूर्ण क्रांति। अगला नेक्स्ट पॉइंट,
1776 ईस्वी में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। 1776 ईस्वी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इंडिपेंडेंट कब हुआ? तो अमेरिका का इंडिपेंडेंस 1776 में हुआ। 1776 ईस्वी में अमेरिका आजाद हुआ ब्रिटिश हुकूमत से। अमेरिका में 1789 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया। अमेरिका में जिस संविधान को लागू किया गया वह कब लागू किया गया? 1789 ईस्वी में। याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स हाइलाइटेड किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया लेकिन अभी भी सार्वभौमिक मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको वोट देने का, सबको मत देने का अधिकार नहीं मिला था। अब शुरुआत कहां से होती है? पहली बार न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया। यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया। अगर आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए कि पहली बार किस देश में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दिया गया, तो आपके उत्तर होंगे न्यूजीलैंड में 1893 में। आगे बढ़ते हैं। अभी भी चुनाव में भाग लेने का अधिकार केवल पुरुषों को प्राप्त था। एक प्रक्रिया चल रही थी लेकिन अधिकांश देशों में जहां वोटिंग राइट दी गई थी वहां अधिकार केवल पुरुषों को ही प्राप्त था, बाकी सबको, महिलाओं को और अन्य लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और उसका नाम गोल्ड कोस्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना और उसका नाम क्या था? उसका नाम गोल्ड कोस्ट था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि घाना का पुराना नाम क्या था, तो आपका उत्तर होगा गोल्ड कोस्ट। और ये पूछ सकता है गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा घाना। यह घाना भी पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक अधिकारों हेतु हुए संघर्ष में सुनार के एक पुत्र और शिक्षक लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में घाना 1957 में आजाद हुआ। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आया है, लामे एनक्रुमा। लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में, यह एक सुनार के पुत्र थे और पेशे से शिक्षक थे, इन्होंने नेतृत्व किया और घाना 1957 में आजाद हो गया। तो यहाँ जितने भी हाईलाइटेड किए गए हैं वो सारे प्रश्न बनते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति चुने गए। पहले क्या बने? एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री और बाद में वहां के राष्ट्रपति चुन लिए गए। लेकिन घाना में लोकतंत्र बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका और एनक्रुमा ने स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति चुनवा लिया। घाना में क्या हुआ? घाना में लोकतंत्र तो आया लेकिन लोकतंत्र वहां बहुत दिनों तक नहीं टिक सका और एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। परिणाम क्या होता है? 1966 ईस्वी में सेना ने एनक्रुमा सरकार का तख्ता पलट दिया। परिणाम ये हुआ कि 1966 ईस्वी में सेना ने क्या किया? एनक्रुमा के सरकार का तख्ता पलट दिया और लोकतंत्र की समाप्ति वहां फिर से हो गई। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ भी हैं। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए। यह प्रश्न बनता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका विघटन कब होता है? 1991 ईस्वी में। और कुल कितने बने गणराज्य? इससे अलग होकर के 15 गणराज्य बन पाए। आगे, नेपाल का पहला संविधान 1948 ईस्वी में बना। नेपाल का जो पहला संविधान बना वो कब बना? 1948 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि संसद के लिए पहली बार चुनाव कब हुए, तो आपका उत्तर होगा 1959 ईस्वी में। किसने किया? राजा महेंद्र ने किया। लेकिन 1962 ईस्वी में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1959 में आया और 1962 में लोकतंत्र की समाप्ति वहां हो गई। 1990 ईस्वी में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1990 ईस्वी में नेपाल में जन आंदोलन हुआ, बहुत व्यापक आंदोलन हुए और परिणाम क्या हुआ कि बहुदलीय, जिसमें अनेक दल थे, इस दल बहुदलीय प्रणाली वाले लोकतंत्र की शुरुआत होती है नेपाल में 1990 ईस्वी में।
आगे 1948 ईस्वी में आजाद हुए म्यांमार ने, जिसका नाम पहले बर्मा भी था, बर्मा को ही म्यांमार कहते हैं, तो 1948 ईस्वी में आजाद हुए म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यांमार आजाद कब हुआ, तो 1948 ईस्वी में, और वहां पे सैनिक तख्तापलट कब हुआ, 1962 ईस्वी में। आपको याद रखना हो म्यांमार आजाद कब हुआ, तो याद रखिएगा कि भारत की आजादी के एक साल के बाद म्यांमार आजाद हुआ। आगे बढ़ते हैं, 1990 में हुए चुनावों में आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया, लेकिन फौजी शासकों ने चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। क्या होता है म्यांमार में, जब फौजी शासन आ गया म्यांमार में 1962 ईस्वी में, तो सारे विरोधियों को जबरन प्रतिबंधित कर दिया गया, सार्वजनिक रूप से बोलने की आज़ादी छीन ली गई, और इन्हीं के विरोध में आंग सान सूची, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आंग सान सूची की अगुवाई में वहाँ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ध्यान रखिएगा कि यहाँ दो पॉइंट हैं, म्यांमार में किसके नेतृत्व में, किसकी अगुवाई में 1990 में चुनाव हुए, तो उसका उत्तर आंग सान सूची, और उनकी पार्टी नाम क्या था, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस पार्टी ने 1990 के चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त किया था, लेकिन फौजी शासकों ने चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। वहाँ जो फौजी शासक थे उन लोगों ने चुनाव परिणाम को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, नज़रबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। आंग सान सूची को नज़रबंद कर दिया गया, इसके बावजूद भी उन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र के पुनः बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखा और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यहाँ आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, आपके उत्तर होंगे 1945 ईस्वी में। इस संगठन के 6 मुख्य अंग हैं, कितने अंग हैं, इस संगठन के 6 मुख्य अंग हैं, जिसके नाम है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ये 6 इसके मुख्य अंग हैं। महासभा संसद की भांति है, जिसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। जो उसकी संस्था है, जो उसका मुख्य अंग है महासभा, यह संसद की भांति काम करता है और जितने भी सदस्य हैं इसके, वो इसमें हिस्सा लेते हैं और इस महासभा में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा में सभी सदस्यों को एक एक वोट देने का अधिकार है। जो महासभा है इसमें सभी मेंबर्स को एक एक वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसमें सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। यहाँ जो भी निर्णय होता है बहुमत के आधार पर होता है। ये महासभा की कार्य प्रणाली है। अगला पॉइंट, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, इनमें 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन अस्थायी सदस्य हैं, जबकि अन्य 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा 2 वर्षों के लिए करती है। कितने वर्षों करती है, 2 वर्षों के लिए। कितने लोगों का, कितने सदस्यों का, 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव। 5 अस्थायी हैं जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं, और 10 अस्थायी हैं जिनका चुनाव 2 वर्ष के लिए महासभा करती है। यह महासभा होना चाहिए, आखिर मात्रा छोटी लगता है। सभी अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिला है। जितने भी इसके अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो देने का अधिकार है, मतलब किसी मुद्दे पर वह अपने तरफ से ना कह सकते हैं, उसको इनकार कर सकते हैं, यह वीटो पावर है। लेकिन यह वीटो पावर किसको है, 5 अस्थायी सदस्यों को। अगला पॉइंट, न्यास परिषद मुख्यतः उन क्षेत्रों का
प्रशासन देखती थी, जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे, जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे उनके देखरेख, उनके शासन की देखरेख का काम कौन करता था? न्यास परिषद करती थी, जो राष्ट्र संघ के एक मुख्य अंग है, और वहां जहां स्वशासन का विकास नहीं हुआ था उन स्थानों के शासन की देखरेख कौन करता था? न्यास परिषद करती थी। आगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का वह अंग है जो विभिन्न देशों के बीच विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और यह विभिन्न देशों के बीच जो विवाद होते हैं उनका न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। इसका मुख्यालय है द हेग में। अंतिम पॉइंट आज का, संयुक्त राष्ट्र का अपना सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का अपना सचिवालय अमेरिका में कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है इसका अपना सचिवालय। तो यह थे हमारे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के, क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के, लोकतांत्रिक राजनीति के पहले अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो हमारा तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि अपने अगले वीडियो को भी हम ऐसा ही बना सकें, आपके लिए उपयोगी हो सके, यही मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आपकी राय हम जान सकें। आपको धन्यवाद।